नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे BSE शेयर के बारे में, क्या आपको इस शेयर में जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और जो है इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको जो है गाइज क्लियर करके देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, 540 के लेवल से हमने आपको इस शेयर पर जो है बाय कॉल दी थी, तो अब जो है नेक्स्ट टारगेट इस शेयर में क्या बनेगा वो भी क्लियर कर देंगे। तो गाइज, अगर आप जो है इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे BSE शेयर के बारे में, इस शेयर के फंडामेंटल्स जो है क्या इंडिकेट करें और इसका जो है चार्ट सेटअप क्या इंडिकेट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BSE शेयर में, आपको पता है हमने आपको 500 के लेवल से जो थी बाय कॉल दी थी, 520 530 के लेवल से जो है हमने आपको BSE शेयर पर बाय कॉल दी थी, और हमने आपको कहा था कि आप लोग जो है BSE शेयर में पोजीशंस बनाइए। और आप देख सकते हैं उसके बाद से जो है BSE शेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी हमें जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर स्टॉक जो है 11% उछला है, 1 महीने के अंदर जो है 56% उछला है, और पिछले 6 महीनों में जो है तकरीबन 300% के रिटर्न जो है BSE ने आपको बना के दिए हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली जो है BSE में बनी हुई है। और हमने आपको कहा था कि आप BSE में पोजीशंस बनाइए, आप हमारी पहली वीडियोस देख सकते हैं, हमने आपको कहा था BSE जो एक काफ़ी बड़े स्टॉक है, इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आ रहे आप यहाँ पर फाइनेंशियल जो है देख सकते हैं, कंपनी का रेवन्यू जो है क्वार्टर ऑन बेसिस पे कितने शानदार तरीके से बढ़े, नेट इनकम कितने शानदार तरीके से बढ़े, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितने शानदार तरीके से बढ़े, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितने शानदार तरीके से बढ़े, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू और जो है प्रॉफिट मार्जिन में पिछले कुछ क्वार्टर से, और काफ़ी ग्रोथ जो है ये स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जो है ट्रेडर्स भी स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा जो है चेज़ करने में जो है इंटरेस्टेड हैं, और तभी शेयर में हमें ऐसी तेज़ी देखने को मिली। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, BSE शेयर में आप जो है बेफिक्र होकर पोजीशंस बनाइए, कोई भी कमी आपको जो है BSE स्टॉक में जो है देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिटर्न बना के देगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली जो आपको इस शेयर में आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरा आपको यही सुझाव रहेगा, BSE शेयर में आप जो है बेफिक्र होकर पोजीशंस बनाइए, कोई भी कमी जो है यहाँ पर नहीं होगी, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है बना हुआ है। 2500 के टारगेट अभी आपको जो है BSE शेयर में जो है देखने को मिल सकते हैं गाइस, तो बेफिक्र होकर शेयर में पोजीशंस बनाइए। तो चलिए अब इसका चार्ट सेटअप आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम जो है आपको BSE का चार्ट सेटअप जो एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे चार्ट सेटअप क्या बन रहा है। तो चार्ट सेटअप जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, हमने 990 के टारगेट दिए थे गाइज, 540 से 990 के टारगेट दिए थे, लेकिन वहाँ से तो गाइज स्टॉक ने जो है एक तरफा जो है रैली दिखाई है। तो मैं आपको अब यही राय दूंगा और मेरे आपको यही सलाह रहेगी, अब जो है BSE में आपको 2500 के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं, 2500 तक के लेवल आपको BSE में देखने को मिल सकते हैं, 2100 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और 2500 के टारगेट के लिए जो है आप BSE शेयर में पोजीशंस बना सकते हैं। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, BSE शेयर में आप जो है बेफिक्र होकर पोजीशंस बनाइए, कोई भी कमी आपको जो है BSE में देखने को नहीं मिलेगी, ये शेयर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिटर्न बना के देगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली जो है आपको BSE में देखने को मिलेगी। लेकिन 2100 का जो है गाइस स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा, अगर इस 2100 के नीचे गिरता है तो शेयर से जो है निकल जाएगा। तो 2500 के टारगेट के लिए शेयर में पोजीशंस आप बना के चलिए। तो गाइज, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।